तुला राशि वालों 17 अगस्त शनिवार का दिन शनि त्रयोदशी प्रदोष से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और शुक्र के प्रभाव से दिन आरंभ होगा। शुक्र इस समय आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर बुध और सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। अनुकूल ग्रह की स्थिति है। जीवन में भरपूर आत्मविश्वास से उत्साह है। सोच समझ कर काम करेंगे। आपके जीवन में बहुत तरक्की, उन्नति, सौभाग्य, सुख, लाभ और धन की वृद्धि होगी। आज का दिन प्रभावशाली दिन है। सुख शांति आपके जीवन में होगा। आनंद बढ़ेगा। आपके लिए बड़े बदलाव और बड़ी तरक्की के अवसर मिलेंगे। आज का दिन काफ़ी प्रभावशाली और आप बड़े भाग्यशाली होंगे। मन में खुशी होगी। आपके कार्य की प्रशंसा होगा। जीवन में सुख बढ़ेगा। यानी योजना बनाकर जो काम करेंगे उसमें बड़ी सफलता, खुशखबरी, कामयाबी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बड़ा ही प्रभावशाली दिन है। ग्रहों की स्थिति बहुत ही अनुकूल है। आज आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान पर चंद्रमा का गोचर हो रहा है। पंचम भाव पर शनि विराजमान है। राहु कुंडली के छठे भाव पर, अष्टम भाव पर मंगल के साथ बृहस्पति का गोचर है और आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर बुध, सूर्य, शुक्र की युक्ति है और केतु द्वादश में गोचर कर रहा है। भाग्यशाली समय है। सौभाग्यशाली योग है और ग्रहों की स्थिति बेहतर है। सूर्य इस समय मघा नक्षत्र में केतु से प्रभावित है। वहीं आपकी कुंडली पर शुक्र पूर्वा फागुनी नक्षत्र में और बुध आज मघा नक्षत्र में केतु से प्रभावित है। यानी सूर्य और बुध दोनों केतु से प्रभावित है और केतु द्वादश में बृहस्पति की पंचम दृष्टि से प्रभावित है। चंद्रमा का कर्म स्थान पर गोचर करना और चंद्रमा की दृष्टि भाग्य स्थान पर भाग्यशाली आपको बना रहा है। वहीं बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के सुख भाव पर है तो जीवन काफी सुखी और सौभाग्यशाली होगा। आज शनि त्रयोदशी है, प्रदोष है। शनि का प्रभाव आपकी कुंडली के पंचम भाव में बहुत ही प्रभावशाली है। साथ ही साथ पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का शुक्र जो आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर गोचर कर रहा है, शनि के साथ सप्तक योग बना रहा है। बेहतर स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशी, सुख और सौभाग्य को बढ़ाएगा। आज का दिन बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। बहुत ही लाभकारी भाग्यशाली दिन है। आपके कर्म, आपके जीवन का सुख, सौभाग्य और धन सब कुछ आज शुक्र से, सूर्य से प्रभावित होगा। क्योंकि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का शुक्र 11:49 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र का सूर्य अपने प्रभाव से प्रभावित करेगा। स्थिति आपके जीवन की बेहतर होगी। लाभ धन बढ़ेगा और आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बहुत सारी समस्या आपके जीवन से दूर होगा। ग्रहों की स्थिति मजबूत होने से शुभ फल की प्राप्ति होगा। आज का दिन प्रभावशाली दिन है जो सौभाग्य लेकर आपके जीवन को प्रतिष्ठित करेगा। सुख सौभाग्य प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। जीवन की नई ऊंचाइयों को आप छुएंगे। नौकरी व्यापार कामयाब होगा। किसी नए काम की शुरुआत करेंगे। आपके रिश्ते अच्छे होंगे और शनि त्रयोदशी, शनि प्रदोष और शनिवार का दिन होने से शनि का दोष से आप मुक्त होंगे। शनि आज आपके लिए काफ़ी लाभकारी और प्रभावशाली योग बना रहा है। आज का दिन काफ़ी सुख देने वाला दिन है जो आपकी इच्छा को पूरा करेगा। आपके तौर तरीके में बड़ा बदलाव लाएगा। सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अपने कार्य से आप सभी को प्रभावित करेंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा और स्थिति आपकी अनुकूल बनेगी। आज का प्रभावशाली दिन आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर
आज सूर्य, शुक्र और बुध के गोचर करने से काफी प्रभाव आपका बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्न का स्वामी है, सूर्य लाभ स्थान का और बुध भाग्य का स्वामी है। एक साथ जब तीन ग्रहों का गोचर होगा, आप सक्षम होंगे, अपने जीवन में सुख पाएंगे, प्रभावशाली जीवन बहुत लाभ देगा, धन संपत्ति से आप परिपूर्ण होंगे और भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। संबंध आपके अच्छे होंगे, कार्य आपके सफल होंगे, शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, वैवाहिक जीवन खुशियों से परिपूर्ण होगा। काफी लाभकारी और प्रभावशाली योग है, शनिवार का दिन है, शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें, ओम एं ह्रीं श्रीं श्री शनिचराय नमः का जाप करें, आपके कष्ट भी दूर होंगे और तरक्की उन्नति भी देखने को मिलेगी। बेहद खास है आज का दिन, आपके लिए अनेक प्रकार का अवसर लेकर आएगा, इन अवसर का लाभ उठाकर आप बड़ी तरक्की करेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। आज का दिन प्रभावशाली और भाग्यशाली दिन है, ऐश्वर्य आपके जीवन में बढ़ेगा, धन संपत्ति बढ़ेगी, सुख स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से जीवन काफी सुखी होगा, इरादे आपके मजबूत होंगे, केतु द्वादश में गोचर कर रहा है और आपके जीवन में सफलता, कामयाबी, सुख की प्राप्ति होगी। शनि पंचम भाव पर बैठा है और चंद्रमा पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहा है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र की स्थिति बेहतर होने से सुख, सौभाग्य, लाभ, धन की प्राप्ति होती है, साहस ऊर्जा बढ़ता है, मेहनत का परिणाम मिलता है, खुशी आपके जीवन में दिखाई देती है, परिस्थिति बदलता है, परिवार में खुशी और सुख की प्राप्ति होती है, दिन काफी लाभकारी और सुखद अनुभूति देता है। आज का दिन काफी लाभकारी और आपकी परिस्थिति को बदलने वाला भाग्यशाली दिन होगा, मेहनत से अपने जीवन में आप बहुत तरक्की, लाभ, सुख की प्राप्ति करेंगे। पूरब दिशा की तरफ आपका भाग्य उदय होगा, पूरब दिशा की तरफ जो कार्य करेंगे वो कार्य आपके सफल होंगे, उस काम से धन की प्राप्ति होगी, समृद्धि सुख बढ़ेगा, परिवार में उन्नति देखने को मिलेगा। काफी लाभकारी और प्रभावशाली आज का दिन अनेक प्रकार की उपलब्धि और सुख प्रदान करेगा, बेहद ही लाभकारी दिन है, प्रभावशाली योग है जो आपकी जीवन की स्थिति परिस्थिति को बदलेगा, जो आपके जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धि तरक्की लेकर आएगा। आज का दिन कई प्रकार का सुख देगा, भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाएगा। आज राहु काल का विशेष ध्यान रखें, 9:08 से 10:47 से राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज आपके लिए लक्की कलर येलो होगा, लक्की नंबर 6 होगा, प्रभावशाली दिन, अच्छा समय, आपके जीवन में कई प्रकार का सुख देगा, आगे बढ़ने का अवसर देगा, जीवन में सौभाग्य को बढ़ाएगा, धन संपत्ति सफलता के साथ जीवन में आप बड़े लाभ और सुख की प्राप्ति करेंगे। आज का दिन प्रभावशाली दिन है, भाग्यशाली योग है। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीते, विदय करे सम्मान, तिहि के कारण सकल शोभे, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाएं, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, 17 अगस्त शनिवार का दिन, सावन माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 8:05 तक, उसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, शुक्र के प्रभाव से दिन आरंभ हो रहा है। शुक्र इस समय आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर सूर्य और बुध के साथ गोचर कर रहा है, काफी लाभकारी प्रभावशाली ये समय है जो आपके जीवन में
आगे बढ़ने का अवसर देगा। समय आपके लिए बड़ा शुभ है जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। आज का दिन काफी प्रभावशाली भाग्यशाली है, आपके लिए सफलता कामयाबी लेकर आएगा। आपके जीवन में सफलता सुख देगा। नौकरी व्यापार और आपके संबंध अच्छे होंगे। परेशानी आपके जीवन की दूर होगी। तरक्की के लिए समय शुभ है, आप बड़े भाग्यशाली होंगे। जीवन की बाधा निराशा दूर होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र आपके जीवन में उत्साह को बढ़ाता है, अद्भुत शक्ति प्रदान करता है, भाग्यशाली बनाता है। सुख की कामना आपकी पूरी होती है। धन संपत्ति आपके जीवन में बढ़ता है। 11:49 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और सूर्य का प्रभाव, सूर्य लाभ का स्वामी है। आज ये बहुत मजबूत स्थिति में कुंडली में गोचर कर रहा है। चंद्रमा का भाग्य भाव पर दृष्टि होना और मंगल का बृहस्पति के साथ गोचर करना आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। आज का दिन बड़ी सफलता कामयाबी सुख है। आपके जीवन में लाभदायक स्थिति यानी दिन आपके लिए लक्ष्य की प्राप्ति करने का दिन है। अपने परिस्थिति को बदलने का दिन है। नकारात्मकता आपकी जीवन से दूर होगी। बेहतर अवसर आपको मिलेंगे। बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। जीवन को एक नई दिशा मिलेगा। उन्नति तरक्की और वैवाहिक जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगा। काफी प्रभावशाली लाभकारी दिन है। नौकरी व्यापार में कार्य की प्रशंसा होगी। धन आप कमाएंगे। मन आपका प्रसन्न होगा। जीवन में सुख सौभाग्य और तरक्की उन्नति देखने को मिलेगा। बेहतर अवसर और लाभ के योग दिन आपके लिए काफी प्रभावशाली साबित होगा। आज चंद्रमा की स्थिति 5:29 के बाद आपकी कुंडली के सुख भाव पर चंद्रमा का गोचर होगा। उस दौरान आपकी जीवन में और भी तरक्की आरंभ हो जाएगी। पूरब दिशा की तरफ आपका भाग्योदय होगा। आपके लिए लक्की कलर येलो, लक्की नंबर 6 होगा। राहु काल 9:08 से 10:47 है। किसी भी नए काम को आरंभ ना करें। और अमृत काल 7:12 है। अभिजीत मुहूर्त 11:59, विजय मुहूर्त 2:36 और ब्रह्म मुहूर्त 4:25 आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। दिन काफी प्रभावशाली है, भाग्यशाली योग है। किस्मत आपकी चमकेगी और आपकी जीवन का कष्ट और बाधा निराशा और परेशानी दूर होगी। आपके संकट समाप्त होंगे। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।